सलाम नमस्ते वनकम सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। क्रिप्टो मार्केट का हालत तो आप सब लोगों को पता ही है। मार्केट जो है बिटकॉइन का, अगर हम प्राइस के बारे में बात करें तो ये $19,000 और $20,000 का बीच में यहाँ पे मार्केट मंडरा रहा है। बहुत सारा कॉइन जो है वो इतना अच्छा ऊपर भी नहीं जा रहे और इतना अच्छा नीचे भी नहीं जा रहे, बीच में ये हॉल्ट कर रहा है। तो आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट न्यूज़ का जो कि मार्केट में काफ़ी बुरा इफेक्ट भी ला सकता है, कुछ मार्केट में बहुत ही अच्छा भी इफेक्ट ला सकता है, और कुछ तो कॉइन और एक्सचेंजेस का नया नया अपडेट्स के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो ये वीडियो जो है कम्प्लीटली आपको देखना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और बहुत ही छोटा वीडियो का, इसीलिए कम्प्लीट देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारा सबसे पहला जो न्यूज़ है उसके तरफ। तो हमारा जो सबसे पहला न्यूज़ है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ट्रोन के तरफ से। अब आप लोगों को पता ही होगा मार्केट में दो तीन दिनों से ये हवा चल रहा है कि हुबई के जो टॉप स्टेक होल्डर्स थे वो अपना स्टेक जो है वो बेच रहे हैं। अब अपना स्टेक जो है वो बेच रहे हैं, अब इसको तो कोई बाई कर रहे हैं, और तो यहाँ पे हवा ये चल रहा है कि जस्टिन सन जो है ट्रोन का फाउंडर वो यहाँ पे बाई कर रहे हैं। तो इसी के वजह से ट्रोन जो है वो उसका 4 बिलियन नेटवर्क जो है ट्रांजेक्शन यहाँ पे हिट हुआ है, 4 बिलियन प्लस जो है वो गया है ट्रांजेक्शन। तो ये काफ़ी एक बढ़िया न्यूज़ है। जब ये न्यूज़ आया कि हुबई को कंप्लीट जो है जस्टिन सन बाई कर रहे हैं, तब ये चीज़ें जो है वो इफेक्ट में आया। अब ये चीजें जो है वो सही नहीं है। यहाँ पे ये न्यूज तो सामने आया कि जस्टिन सन जो है वो बाई कर रहे हैं उबई को, लेकिन बाद में उन्होंने कंफर्म भी किया, खुद से ये कंफर्म किया कि वो बाई नहीं कर रहे, वो यहाँ पे एक एडवाइजरी रोल जो है वो उसमें जा रहे हैं, एडवाइजरी कमेटी में वो एक मेंबर बन रहे। यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा दूसरा न्यूज पे यहाँ पे है, जस्टिन सन कन्फर्म्स एडवाइजरी रोल इन हुबई, डिनाइज बाइंग इट। तो वो बाई नहीं कर रहे, वो एडवाइजरी रोल का कमेटी मेंबर जो है वो यहाँ पे एक बन रहे। जब ये न्यूज सामने आया कि हुबई को वो बाई कर रहे, तब यहाँ पे देखिए किस तरह से स्पाइक आया हुबई का प्राइस में। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अच्छा खासा यहाँ पे एक स्पाइक देखने को मिला, काफी अच्छा यहाँ पे पंप जो है हमको देखने को मिला। लेकिन बाद में जब ये न्यूज थोड़ा ठंडा हुआ तो यहाँ पे हमको ये डाउनग्रेड भी आते हुए देखने को मिला। अब ये न्यूज जो है आप यहाँ पे ट्विटर पर देख पा रहे होंगे, जस्टिन सन ने खुद यहाँ पर ट्वीट करके ये बताया, आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ द ग्लोबल एडवाइजरी बोर्ड हुबई ग्लोबल एंड वर्क विद इंडस्ट्री। तो यहाँ पे क्लियरली उन्होंने बता दिया कि वो ग्लोबल एडवाइजरी बोर्ड में जो है एक मेंबर बन रहे, ये बाय नहीं कर रहे, ये एक अफवाह है कि वो ग्लोबल जो हुबई ग्लोबल एक्सचेंज जो है वो बाय कर रहे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो अब बढ़ते हमारा नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है वो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, FTX expands partnership with payment giant Visa. Visa आप लोगों को पता ही है payment gateway है। तो Visa जो है यहाँ पे Visa के साथ FTX जो है वो partnership कर रहा है, और वो Visa जो है वो क्या ला रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं, Visa to offer crypto debit cards in over 40 additional countries. 40 कंट्री में वीज़ा जो है वो अपना क्रिप्टो डेबिट कार्ड जो है वो यहाँ पे मतलब यहाँ पे ऑफर कर रहा है। तो ये चीज़ अगर FTX के साथ पार्टनरशिप होकर होता है तो ये काफ़ी बड़ा एक मतलब न्यूज़ है, काफ़ी बड़ा एक मार्केट में जो है ये बवाल मचा सकता है, क्योंकि हम सबको पता है FTX जो है काफ़ी रिनोन एक्सचेंज है, काफ़ी बड़ा वर्ल्ड का एक बड़ा एक्सचेंज है। तो अगर FTX के साथ पार्टनरशिप होता है तो ये यहाँ पे काफ़ी लोगों का जो है बेनिफिट होगा, क्रिप्टो मार्केट का ओवरऑल जो है एक बेनिफिट होने वाला है, एक पंप जो है हमको छोटा मोटा देखने को मिल सकता है। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट हम सब इंडियंस के लिए भी ये न्यूज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वज़ीरेक्स जो है हम सबको पता है वज़ीरेक्स इंडियन एक्सचेंज है, और जब से TDS का बात सामने आया तब से वज़ीरेक्स एक्सचेंज क्या जितना भी हमारा इंडियन एक्सचेंज में इंडिया में जितना भी एक्सचेंजेस काम कर रहे हैं उनमें हमें ट्रांजेक्शन में भारी गिरावट जो है वो देखने को मिला। साथ ही साथ यहाँ पे वज़ीरेक्स भी था, और वज़ीरेक्स का यहाँ पे जो है UPI को भी काफ़ी मतलब बुरी तरीके से यहाँ पे हैम्पर हुआ, UPI ट्रांजेक्शन जो है वो यहाँ पे नहीं हो रहा है एट प्रेजेंट। तो यहाँ पे वज़ीरेक्स ने यहाँ पे एक ऑफर रखा है कि वो इंटीग्रेट करना चाहते हैं इंडियन डिजिटल रुपीज़ के साथ। यहाँ पे देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वज़ीरेक्स विल लुक टू इंटीग्रेट इंडिया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC इफ ऑल गोज वेल, वाइस प्रेसिडेंट राजगोपाल मेनन टोल्ड फोरकस्ट इन ए वीडियो इंटरव्यू ऑन मंडे। तो ये काफ़ी बड़ा एक अपडेट है, काफ़ी बड़ा एक चीज़ है। अगर ऐसा हो जाता है तो हमें सबसे पहले वज़ीरेक्स में हमको ई डिजिटल रुपीज़ जो है इंडियन डिजिटल रुपीज़ जो है वो देखने को मिलेगा, और अगर ऐसा होता है तो आप ये समझिए कि हमारा UPI का रास्ता जो है वो काफ़ी आसानी से ओपन हो जाएगा। मतलब इंडिया में वज़ीरेक्स में, या स्पेशली हम वज़ीरेक्स पर अगर हम बात करें, तो अगर CBDC इंडियन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अगर वज़ीरेक्स पर लिस्ट हो जाता है तो डेफिनेटली आप ये मान के चलिए कि UPI जो है हमको ओपन होते हुए देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ साथ कुछ वॉल्यूम का, एक्सचेंज का कुछ ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में भी हमको इंक्रीमेंट जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ये काफी बड़ा एक अपडेट था। अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो यहाँ पे काफी एक बड़ा अपडेट है। ओवर 12,000 ब्राजील कंपनीज डिक्लेयर्ड क्रिप्टो होल्डिंग्स इन रिकॉर्ड हाई।
ब्राज़ील में 12,000 से भी ज़्यादा कंपनीज जो है वो क्रिप्टो को होल्ड कर रहे हैं ब्राज़ील में। तो ये काफ़ी बड़ा न्यूज़ है। ये न्यूज़ जो है कुछ दिन, दो तीन दिन पहले आया, लेकिन मेरा यहाँ पे न्यूज़ देने में थोड़ा लेट हो गया। तो ये काफ़ी बड़ा एक चीज़ है। देखिए, अगर एक ब्राज़ील जैसा कंट्री में अगर ऐसा 12,000 से भी ज़्यादा अगर कंपनीज जो है क्रिप्टो को होल्ड करते, तो इसका मतलब क्या है आप लोग समझ ही पा रहे होंगे। पूरा कंट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, और ब्राज़ील हमने शुरुआत से देखा है कितना पॉजिटिव है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर। तो ओवरऑल ये सभी कुछ चीज़ें जो है वो पॉजिटिव साइड में टर्न होते हुए देखने को मिल रहा है हम सबको। अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि शिबा इनू का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। लास्ट अपडेट ये है कि शिबा इनू का इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिस्टिंग के बारे में। शिबा इनू का रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा मेजर एक्सचेंज पे यहाँ पे लिस्टिंग हुआ है, और मेजर एक्सचेंज कौन सा है? बिटमैक्स। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बिटमैक्स अनाउंस्ड दैट 6 न्यू क्रिप्टोकरेंसीज विल सून बी लिस्टिंग ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। अमंग अदर्स द शिबा इनू टोकन शिब विल बी अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग ऑन बिटमैक्स। तो ये काफी बड़ा एक अपडेट है। बिटमैक्स में काफी एक बड़ा भारी नंबर से यहाँ पे बिटमैक्स का यूजर्स है। अगर शिबा इनू वहाँ पे एड होता है तो यूजर्स का शिबा इनू कॉइन को एक्सेस करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। शिबा इनू का होल्डर जो है वो भी हमको इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा काफी बड़े नंबर से। तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट आज का न्यूज। जो भी और अपडेट आएगा, जो भी और इंपॉर्टेंट न्यूज आएगा, मैं तुरंत अपना टेलीग्राम चैनल पर जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसलिए आपको क्या करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल को तुरंत जाकर ज्वाइन होकर रहना है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर तुरंत ज्वाइन हो जाइए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो जो है वो पसंद आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा फैमिली के साथ जुड़ जाइए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए इसी के साथ करते हैं अभी का वीडियो खत्म। टाटा बाय बाय, थैंक यू।